पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारी संघर्ष मोर्चा द्वारा किए गए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत 5 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी को देखते हुए प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया। विकास भवन के सभागार में आयोजित बैठक में ADM सिटी RK श्रीवास्तव, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, ST क्राइम अशोक कुमार सहित सभी विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी DM व CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा कि निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन अभी भी जारी है, जिसको लेकर आंदोलित विद्युत संगठनों से वार्ता कर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति पर नज़र बनाए रखें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित न होने पाए। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर अपना मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। IAS 2016 बैच से हूँ। एक आसक्ति आने वाले दिनों में उसको लेके ये टीम बैठी है यहाँ पे और ये टीम कंटिन्यू रोज मिलेगी, अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी। सिचुएशन जैसे जैसे इवॉल्व होगी हम लोग उसको रिस्पॉन्स करना है और रिस्पॉन्स हमारा प्रीएम्प्ट होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि सिचुएशन बिगड़ जाए तब हम संभालें। हमारी सबकी जिम्मेवारी 5 अक्टूबर से जो 17 संगठन है उन्होंने उन कार्य का बहिष्कार दिया है। 5 अक्टूबर दैट इज द डेट फिक्स्ड है। इसको समय देते हैं कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने सारे DM सारे मंडलायुक्त सारे DIG ADK SSP सबकी BCB की इमरजेंसी में पहले इसको पूरे सिचुएशन को समझने के फिर हम आपके पूछ लेंगे और कल फिर रहेंगे। से हमें वार्ता करनी है क्योंकि देखिए जब भी कोई अपना पक्ष रखना चाहता है, विरोध करता है, हड़ताल करता है तो बैक चैनल पे या हमारी वार्ता हमेशा होती रहती है।